मोर डिलिशियस रेसिपीज सब्सक्राइब सारस किचन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साराज किचन। और आज अपने किचन में मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो आज हम बनाएंगे हनी चिकन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है। तो हनी चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे मैंने ली हैं, मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, उसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे उसके ये पतले से पीसीस काट लिए। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी, केचप जाएगी इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, लहसुन के 2 जवे लेकर उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। सोया सॉस इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, वस्टर सॉस इसमें जाएगी 1 टेबल स्पून, अगर आपके पास नहीं है तो इसको निकाल दें आप। हनी इसमें जाएगा तकरीबन 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें चले जाते हैं। 1 अंडा इसमें जाएगा। इसके अलावा जो मसाले जा रहे हैं इसके अंदर, उसमें नमक जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, वाइट मिर्च जो होती है सफ़ेद मिर्च ये जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून, मैदा जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर जाएगा 1 टेबल स्पून, और ये जो नमक है इसमें 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है और 1/4 टीस्पून ही ब्लैक वाइट पेपर है, ये एंड में जाएंगे इसके। तो ये चीज़ें हम पहले इसमें डालेंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन में ये तमाम चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं, ये इनके अलावा ये इसको साइड पे कर देंगे। चिकन में ये तमाम चीज़ें जो इस साइड पे मैंने आपको बताई हैं, इसमें ये नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, कॉर्नफ्लोर, मैदा, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। ये वाली अभी हमने नहीं डालनी है, ये बाद में डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डाल देंगे, 2 से 3 जवे हैं इसमें से थोड़ा सा इसमें जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, और अंडा भी इसमें 1/2 जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ताकि चिकन की कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए इन तमाम चीज़ों के साथ। अंडा इसमें मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है क्योंकि मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 3/4 उसका पार्ट गया है। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, अब इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने फ्राई होने के लिए, सॉरी, गर्म होने के लिए रखा है। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें हरी प्याज भी थोड़ी सी जाएगी, वो क्योंकि मेरे पास फ्रीज की हुई है तो मैंने इसलिए पहले से नहीं निकाली थी। अभी जब थोड़ा टाइम इसका थोड़ा रह जाएगा कुकिंग का, फिर मैं वो इसमें ऐड करूँगी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो जो चिकन को हमने तमाम चीज़ें लगा के रखी थी, चिकन को फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, इस पर अच्छा सा कलर हल्का सा आ जाएगा, फिर इसको मैं निकाल लूँगी। इस तरह इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है इसलिए बार बार हमारी बेल जो है वो बार बार ही बज रही है, और मैंने ही देखना होता है जाके। तो चिकन हमारी बहुत अच्छी फ्राई हो चुकी है, इसको अब मैं निकाल लूँगी। अभी जो बाकी रहती है उसको भी मैं फ्राई कर लूँ। चिकन हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं तमाम चिकन को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। अब बाकी का काम जो है वो करते हैं। यहाँ मैंने पैन रखा है गर्म होने के लिए, इसमें मैं तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी, जिसमें मैंने फ्राई किया है चिकन को उसी में से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है इसमें। ये लहसुन के जवे जो हमने रखे हुए हैं 2, ये इसमें डाल देंगे। साथ
साथ ही इसमें मैंने ये शहद भी डाल देना है जो मैंने आपको बताया था, 2 टेबल स्पून, ये भी साथ ही इसके डालेंगे। अब लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे शहद के साथ ही। लहसुन जो है वो हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ये केचप डाल दूंगी जो मैंने आपको बताई थी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है ये, 2 टीस्पून भी आप ले सकते हैं। साथ ही इसमें सोया सॉस जाएगी, 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगी, 1 टेबल स्पून इसमें वोस्टर सॉस जाएगी, 1/4 टेबल स्पून इसमें ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे, नमक, काली मिर्च और वाइट पेपर जो है ये भी इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पका के इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप पानी का ऐड करूंगी। हाफ कप का पानी का इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसमें बॉयल आ जाए फिर इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में मैं घोल के इसमें ऐड करूँगी। पानी में बॉयल आ चुका है, अब इसमें ये कॉर्नफ्लोर मैंने 1 टेबल स्पून लिया था वो इसको थोड़े से पानी में मैंने घोल दिया है, ये इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब ये जो चिकन हमने फ्राई करके रखी है ये भी इसी में डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर कोट करेंगे। अब इसमें मैं हरी प्याज भी थोड़ी सी डाल दूंगी, मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रीज हुई है, इसका ग्रीन वाला पार्ट हमने इसमें डालना है, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वही डालें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने इसमें ग्रीन प्याज, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आंच को बंद कर देंगे। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त हनी चिकन बनके तैयार है, उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।